हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फेज़ के जो आपके पीईटी हो चुके हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, और सेकंड फेज़ के जो DVPSTC हैं वो ख़त्म हो चुके हैं आज, और उनका जो पीईटी है यानी कि उनका फिजिकल है वो उनका कब होने वाला है, और एडमिट कार्ड का लिंक, डायरेक्ट लिंक कहाँ से आपको मिलेगा और कैसे आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो इस वीडियो के अंदर जो नोटिस आया है वो आज ही की डेट में आया है, और इन्होंने जिन जिन कैंडिडेटों के पीटी होने हैं यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने हैं उनके जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, और जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक है वो भी कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपका जो पीटी है वो आपके होम स्टेट के अंदर आया है या फिर दूर आया है। तो चलिए हम बात करते हैं लिस्ट के अंदर कितने कैंडिडेट हैं और कितने कैंडिडेट जो हैं वो फेल हो चुके हैं। लिस्ट डाउनलोड हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर 430 पेज हैं, और 430 पेज को अगर मैं बिल्कुल डाउन करता हूँ तो पता चलता है कि कितने कैंडिडेट लिए गए हैं, यानी कि आपके 21,483 कैंडिडेटों को पीटी के लिए यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये कब कब बुलाया जाएगा तो नोटिस अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये कैंडिडेट की बात हो गई। जो नोटिस इन्होंने जारी किया है वो नोटिस आप देख सकते हैं, वही है, ये तो दौड़ का क्राइटेरिया आपका ऊपर लिखा हुआ है। और टाइम अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, तो 19/5 को इनके जो DVPSTC हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, 19/5 से हो जाएंगे यानी कि कल से, और ये 25/5 तक आप इनके जो DVPSTC हैं वो ख़त्म हो चुके थे, PET जो हैं वो 25/5 तक आपके चलेंगे। तो अगर मैं बात करूँगा कितने कैंडिडेट जो हैं वो अपसेंट रहे हैं या फेल हो गए हैं जो भी कुछ हैं, तो 36,000 टोटल कैंडिडेटों को डिपार्टमेंट ने जो है पास किया था। उसके अंदर से जो फर्स्ट फेज़ के अंदर कैंडिडेट का हुआ था वो 7,600 कुछ कैंडिडेट का पीटी हुआ था। उसके बाद अब इन्होंने 21,483 कैंडिडेट का पीटी के लिए दिया है, तो यानी कि आप देख सकते हैं लगभग जो 6,000 कैंडिडेट हैं वो अभी से ही पीटी से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर ही डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो अब बचे हुए कैंडिडेट हैं लगभग 30,000 के करीब, तो 30,000 पर एक पोस्ट पर अगर मान के चला जाए तो लगभग 3 कैंडिडेट हैं, और 3 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं, तो उन 2 कैंडिडेट को हटाने के लिए थोड़ी सी कट ऑफ को जो है अप किया जाएगा कैटेगरी वाइज, ज़्यादा कट ऑफ को अब नहीं किया जा सकता क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट ही बचे हुए हैं, इनके अंदर से 2 गुना कैंडिडेट जो हैं उनको बाहर निकालना है। तो कुछ सवाल जो हैं इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे, 2 सवाल, 3 सवाल या 4 सवाल हो सकते हैं, यानी कि नंबर में बात करूं तो 7 से 10 नंबर आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं फाइनल कट ऑफ के अंदर। और अगर मैं बात करता हूं कि फर्स्ट फेज़ वालों जो कैंडिडेट हैं जो पीटी दे चुके हैं उनकी जो लिस्ट है वो कब तक आएगी, तो देख लीजिए अब 25 तारीख तक जो हैं सेकंड फेज़ वालों के जो हैं DVPSTC के बाद पीटी जो हैं वो चलेंगे, तो 25 तारीख के बाद ही आपको फर्स्ट फेज़ प्लस सेकंड फेज़ के जो PET, PST हैं पीटी हैं उनकी दोनों की लिस्ट यानी कि कंबाइंड लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कंबाइंड लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी लिस्ट होगी, और जो कैंडिडेट पास नहीं हुए हैं उनका रोल नंबर जो है वो नहीं होगा। तो
तो आप इजीली देख सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर आ जाता है तो आप उसमें अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, फिर कुछ समय के बाद आपका मेडिकल और फिर आपका एक बार फाइनल डीवी होने वाला है। उसके बाद फिर आपको ये दोनों चीज़ होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यूपीएसआई से और कोई रिलेटेड न्यूज़ आती है तो मैं वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप अगर उस न्यूज़ से आप अपडेट रहना चाहते हैं यूपीएसआई की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।